फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पालक का पराठा बनाने जा रही हूँ। किसे पालक को अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से धो भी लिया है। हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे एक चम्मच तेल। इसमें पालक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पूरा पालक डाल दिया है। अभी तो ये बहुत ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर में, 2 मिनट के बाद ये एकदम गल जाएगा। इसे 2 मिनट के लिए हम ढक करके छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखिए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद ही ये कितना ज्यादा गलने के बाद इतना कम हो गया है। ये देखिए, बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसमें ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पालक से छूटा हुआ पानी है। इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, यूज करना है। इसे हम एक ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे, इसका पानी भी डाल लेंगे। ग्राइंडर में डाल लिया है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची। तो मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है और एकदम पेस्ट बना लिया है। एक थाली ले लेनी है जिसमें आप आटा गूंथने वाले हैं, वो बर्तन ले लीजिए। और ये सारा मिक्सर हम इसमें पलट देंगे। अब मैं यहाँ पे 2 कप आटा डाल लूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और इस तरीके से मीजते हुए इसे इसमें डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे और गूथेंगे। हमें पानी नहीं डालना है, पहले मिक्स करिए, अच्छे से गूथ लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो इसमें और आटा भी डालना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। फिर अगर आपने आटा ज्यादा डाला है और गूंथने के बाद अगर आपको पानी की जरूरत है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। अब बिल्कुल वैसा ही आटा तैयार करना है जैसा कि हम रोटी और पराठे के लिए बनाते हैं। जार में जितना भी मसाला लगा हुआ था मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसी पानी से मैं इस आटे को गूंथ लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथ करके तैयार है। यहाँ पे हमारा आटा गूंथा है और मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है ये। चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना मोटा बनाना है उतना मोटा आप इसमें से बॉल्स कट कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं इतने बड़े बड़े बॉल्स काट ले रही हूँ। रोटी की साइज से थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम। अब इसे हम सूखे आटे में डिप करेंगे और बेलेंगे। ये पराठा है इसलिए हम थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, रोटी जैसे एकदम पतला नहीं बेलेंगे। आपको जैसे पसंद है आप उस हिसाब से बेलिए, मोटा पतला। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। चलिए अब सेकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है तावा और तावा अच्छे से गर्म हो गया है। ये लोहे का तावा है जिसपे हम हमेशा रोटी बनाते हैं, वही तावा लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इस पराठे को सेकिए। देख सकते हैं कि थोड़ा सा बबल्स आ गया है, तो अब इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेकने देंगे। अब हम यहाँ पे तेल लगा देंगे। तो आप तेल, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं, मैं तेल लगा रही हूँ। ये दूसरी साइड से भी तेल लगाएंगे। ये देखिए किस तरीके से फूलने लगा है। और ये देखिए, हमारा पालक का पराठा बन करके तैयार है। इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक का पराठा बन करके तैयार है। अब आप चाहे तो इसे दही के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ या फिर अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।